हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे काउंटिंग काउंटिफ का फंक्शन जो कैसे यूज होता है। ओके, आपको काउंट करना है कि कितने जन एब्सेंट थे और कितने जन माइनर प्रेजेंट थे। ओके, काउंटिफ का दूसरा यूज था है। सब क्या लिखोगे? आपको काउंट करना है। सो काउंट काउंट मतलब काउंट करना है, इफ मतलब अगर आपको काउंट करना है तो इसे कहना चाहते हैं, मतलब फॉर्मूला। सो ब्रैकेट ओपन, अभी हम ये इधर से लेके इधर तक पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा बटन। ओके, फिर डबल इनवर्टेड कॉमास ओपन। आपको वो कितने जन एब्सेंट है वो चाहिए ना, सब लिखो एस, इसके अंदर लेडी को डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। देखो दो जन एब्सेंट है, एब्सेंट है एक दो, आ गया। अब देखो इसमें कितने जन एब्सेंट है, सब प्रेजेंट है, और उसके बाद दो जन एब्सेंट है, सब प्रेजेंट है, फिर दो जन, फिर एक एब्सेंट, फिर एक। ओके, इसे चलता लाइट प्रेजेंट, तीन जन एब्सेंट, तीन टाइम एब्सेंट, मतलब टाइम्स है कि तीन टाइम एब्सेंट है, इसमें तीन टाइम्स एब्सेंट, फिर नीचे एक टाइम एब्सेंट, उसके नीचे भी एक टाइम, तो सही निकाला है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, इसमें भी काउंटिंग करना है, बस ए के बदले पी लिखना है। क्या लिखना है? ए के बदले पी, काउंट इफ। क्या ये फॉर्मूला? काउंट इफ एंड ब्रैकेट ओपन। अब रेंज में ये सिलेक्ट करोगे, दिख रहा आपको हमने सेल सिलेक्ट किया है, कैन यू सी एक सेल है, कॉमा। क्या डालेंगे? ये कॉमा, कॉमा डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन। अभी प्लेसेंट बच्चे चाहिए आपको, प्लेसेंट तो पी डालेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंटर। इसमें से भी एक टाइम ही प्लेसेंट हुआ है, लिया एक टाइम ही प्लेसेंट, इसका मतलब अभी डबल क्लिक कर दो, ये आते ना प्लस साइन, इसे डबल क्लिक करो, ड्रैग हो जाएगा। क्या होगा? ड्रैग। एक बार कहो दोस्तों, हम इधर ड्रैग कर लेते तो हमको डॉलर साइन इसे की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। तो समझे दोस्तों, काउंटिंग टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट में कैसे यूज़ करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी चाहिए डिविया नैक को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।